शादी के बाद हनीमून किसी भी नवविवाहित जोड़े के लिए एक यादगार वक्त होता है। हनीमून ट्रिप को लेकर कपल्स के मन में कई तरह के एक्साइटमेंट होते हैं, लेकिन बहुत से कपल्स सिर्फ इसलिए हनीमून पर नहीं जाते क्योंकि वह उनकी पॉकेट से बाहर होता है। हो सकता है कि आपकी जल्द शादी होने वाली हो और आप कम बजट में हैप्पी हनीमून ट्रिप प्लान करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप इन जगहों पर जा सकते हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसी जगह बताऊंगी जो आपके बजट में आपका हनीमून खुशी खुशी करवा सकता है। हिमाचल प्रदेश। दिल्ली से लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर हिमाचल प्रदेश एक बेहद खूबसूरत जगह है, जहां पर आप कम बजट में अपने पार्टनर के साथ घूमने जा सकते हैं। यह आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा का घर है और हिमाचल में देखने लायक कई जगह हैं, जैसे कि भागुस फॉल्स, शिव कैफे आदि जगहों पर जा सकते हैं और ट्रेकिंग और अन्य एडवेंचर एक्टिविटीज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको प्रति व्यक्ति 300 रुपए में ठहरने की जगह मिल सकती है। दूसरे नंबर पर आता है केरल। केरल एक बेहद ही खूबसूरत राज्य है और न्यू कपल्स के लिए इससे बेहतर घूमने की जगह कोई नहीं। यहाँ की नेचुरल ब्यूटी हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है। केरल को भगवान का अपना देश माना जाता है, जिस कारण हर व्यक्ति केरल के मंदिरों को देखना चाहता है। केरल में कई जगह हैं जो आप घूम सकते हैं और केरल की खूबसूरती का मजा ले सकते हैं। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे उदयपुर की। राजस्थान राज्य में कई बेहतरीन घूमने की जगह है, लेकिन आप कम बजट में राजस्थान में हनीमून पर जाना चाहते हैं तो ऐसे में आपको उदयपुर जाना चाहिए। यह अपेक्षाकृत काफी सस्ता है। आप यहां एक सिटी पैलेस से लेकर पिचौला झील आदि कई खूबसूरत जगहों का लुफ्त उठा सकते हैं। अब हम बात करेंगे आगरा की। आगरा के ताजमहल को दुनिया के 7वें अजूबे में शामिल किया गया है। यह बेमिसाल प्यार की निशानी है। ऐसे में आपके लिए आगरा से बेहतर घूमने की जगह कौन सी होगी? यहाँ घूमने में आपको 5,000 रुपए से भी कम का खर्च आएगा। आगरा में आप ताजमहल के अलावा आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी आदि घूम सकते हैं। वैसे अगर आप आगरा जा ही रहे हैं तो वहाँ का फेमस पेड़ा खाना ना भूलिएगा। ये तो थी कुछ ऐसी जगह जो आपकी पॉकेट फ्रेंडली हनीमून के लिए काम आएंगी। आगे भी मैं आपको ऐसी ही जानकारियां देती रहूंगी। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।